आगे बढ़ गए हैं, आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे, सिर पर हेलमेट और पूरे देश की नजरें इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर टिकी हैं, क्योंकि वहां पर लाखों की तादाद में किसान जो हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं नए कानूनों को लेकर। और अब सुनने में आया है कि किसानों की उस संख्या में और इजाफा होने वाला है। खबर यह है कि हरियाणा के कई हिस्सों से अब जो किसान के जत्थे हैं वो दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं और कुछ अगले कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे। और अगर वो सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो फिर किसानों के इस आंदोलन को और मजबूती मिल सकती है, ये आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। किकरी किकरी बॉर्डर के उत्ते खड़े आ गए। आ देखो, आ हरियाणे के भरा साढ़े, आ हरियाणे के वीर साढ़े दुध लैके पहुंचे ने। 2500 लीटर दुध, 2500 लीटर दुध वीर आए ने साढ़े लैके नरवाणे तो, नरवाणे तो पहुंचे ने 2500 लीटर दुध लैके। 2500 लीटर जरा दुध का टैंकर है बड़ा। इतने किसी भी चीज की हरियाणे के किसान ने कमी नहीं आने दी। खट्टर घरें बैठे बकवास मारी जाता कि जेडे हरियाणे के किसान ने वो साथ नहीं दे रहे। बड़ी गिणती दे विच हरियाणे के किसानों का बड़ा साथ है। कोई कंबल वंड रहा ट्राला भर के, कोई दुध वंड रहा है, कोई कुछ वंड रहा है, कोई कुछ वंड रहा है, किसी चीज़ का नहीं बड़ा साथ है। तुसी आ मेरे वीर नूं बुला के पुछो। वही जो केंद्र सरकार की ओर से ऑफर आया था, यानी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो ऑफर आया था कि किसान बोराड़ी पहुंचे उसके बाद बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसान जो संगठन है उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। किसान संगठनों ने कहा था कि ये नए कानून जो है ये किसानों के हित में नहीं है, और उन्होंने बाकायदा उसमें जो खामियां हैं वो भी बताई थी। अब नजरें 3 दिसंबर पर टिकी हुई हैं, जब केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से मीटिंग के लिए बुलावा भेजा गया है। देखना है कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में ये मीटिंग होती है और इस मीटिंग में पैच और उस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बात है कि इतनी संख्या में जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पर और कई हाईवे जाम कर रखे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार जो है वो दबाव में है, सरकार पर प्रेशर है। 3 तारीख को किसानों के हित में कोई खबर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मसला।